ये देखिए सुधा का जो एक जो अगरबत्ती का धुआं दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए मतलब आप अपनी आंखों से देखेंगे ना, सुबह सुबह नहा धो करके जब आप आएंगे यहाँ पे तो अलौकिक आपको दिखेगा सब कुछ, अलौकिक। ये देखिए हम लोग पहले वहाँ नहीं गए, सीधा सीधा जानकी जी से मिलने नहीं गए, पहले यहाँ की जो कुल देवी हैं मैया उनके मंदिर में आ गए थे। तो पहले तो स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, तो कहीं भी जाओ तो सबसे पहले इन लोगों का आराधना होना चाहिए, इन लोगों का दर्शन होना चाहिए किसी भी जगह पर जाने से पहले। तो हम लोग उसी हिसाब से यहाँ आए हैं, जो आप कुल देवता बोलते हैं मतलब बोल क्या सकते हैं, कुल देवता, कुल देवी, स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, तो पहले इनसे मुलाकात करनी चाहिए। किसी भी जगह पे आप जाएं, काम के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, तीर्थ करने जाएं, तो पहले स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, इनका दर्शन करना चाहिए। तो इससे क्या है कि आप जहाँ गए हैं, या महर्षि जनक जी के कुल देवी का मंदिर है, तो जिनको आप दर्शन करने आए हैं वो इनकी आराधना किया करते थे, इनसे उनको शक्ति मिली है, इनसे उनको सिद्धियां मिली हैं, जिनसे वो भी माना भी थे हमारे आपकी तरह। तो ये समय उस समय का बहुत अच्छा था, मतलब इस टाइप का कि श्रद्धा भक्ति लोगों के अंदर, सत्य ईमानदारी निष्ठा ये सब चीज़ था। तो उस समय में उनको जो सिद्धियाँ मिली वो उनके कुलदेवी से मिली। हमारी आपकी भी कुलदेवियाँ होती हैं, सभी कुलदेवी को मानते हैं सभी लोग, तो कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो पहले कुलदेवी का स्थान होता है, तो हम लोग वहीं आए हुए थे। देखिए कबूतर प्रांगण में, चलिए लोग यहाँ श्रद्धा से भक्ति से दर्शन करने आते हैं, उनके जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा होता है वो यहाँ आके अपना दुखड़ा बांटते हैं भगवान के साथ में, अपनी देवी देवताओं के साथ में। तो ये है, बहुत अच्छा जगह है, मतलब यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा है, ऐसा समझिए, ऐसा लगता है। तो जाने के हिसाब से अगर देखेंगे तो जाने का मन ही नहीं है, लेकिन कामकाज के हिसाब से भी इंसान को चलना होता है। देखिए वो शिखर है, शिखर दर्शनम पापनाशनम ऐसा कहा गया है हमारे पुराणों में। तो ये है, बहुत अच्छी जगह, आपको बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे ऐसा। चलिए अब आगे दिखाते हैं आप लोगों को, अब जानकी मंदिर जाएंगे हम लोग यहाँ से मैया जी को मिलने, फिर वहाँ से हम लोग आगे अपने काम में बढ़ेंगे उनका आशीर्वाद लेके। जय माता जानकी, जय बाबा महाकाल, जय हो महर्षि राज ऋषि जनक जी की, हम लोग उनकी प्रजा हैं, उनके कुल खानदान, सभी पूर्वज पितरों को, हमारे सभी पूर्वज पितरों को, सबके सभी पूर्वज पितरों को हमारा सादर प्रणाम है।